मेरा नाम सागर कुमार है, मेरे पिता का नाम धर्मेंद्र कुमार है और मेरे माता का नाम सीमा देवी है। ओके मैं बेटा, जनता हाई स्कूल हाँ बोलिए। में पढ़ता हूँ अच्छा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। मेरे 12th साइंस में 465 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके लिए डॉटनेट ऐप को काफी काफी धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और आपको डाउटनेट के कौन से टीचर अच्छे लगते हैं? दीपक सर अच्छे लगते हैं, उनपे काफी भरोसा है। अच्छा, और बेटा मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी क्लास 12th की जो पढ़ाई करी है, जिससे आपने मेरिट प्राप्त किए बिहार बोर्ड में, तो इसमें आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई, किस तरीके से आपने उपलब्धि हासिल करी, बताना चाहोगे एक बार आप मुझे? हर चीज की तैयारी करने में मेहनत तो लगते ही है, लेकिन हमारे मेहनत में काफी मैंने राइटिंग पे विशेष फोकस किया है। अच्छा, लिखने में हाथ के छाले भी पड़ जाते थे सर। अच्छा, क्योंकि बिहार बोर्ड में है कि राइटिंग की काफी वैल्यू है सर। अच्छा, इसलिए मैंने विशेष राइटिंग पर, और एक मेरा यह भी फॉर्मूला था कि मैं जब याद करता था तो मैं रटता नहीं था। जब टीचर्स डॉक्टर्स पे टीचर समझाते थे तो उसके बाद मैं उसे लिख लिख कर याद कर लेता था, जिससे राइटिंग भी मेरे बन जाते थे और याद भी हो जाते थे सर। आप बेटा प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर हाँ, कितना घंटा पढ़ना ये वैल्यू नहीं रखता सर। अच्छा, कितना फोकस से हम पढ़ते हैं ये मायने रखता है। अच्छा, गुड बेटा, गुड। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा अच्छी लगती थी? मुझे मैथ ही अच्छा लगते थे सर। मैथ, लेकिन काम नंबर आ गए मजबूरी के चलते सर। अच्छा, मुझे मैथ ही तो पसंद है सर। हाँ ठीक है। अच्छा, और मैं आगे चलकर आईआईटी की तैयारी करना चाहता हूँ। एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो? यस सर। अच्छा, ओके। और आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी इस पढ़ाई का श्रेय अपने गुरुजनों के अलावा और किस किस को देना चाहोगे? अपने टीचरों के अलावा मेरे पेरेंट्स हो गए हैं, मेरे माता पिता हैं और मेरे मामू जो हैं, जो काफी मुझे सपोर्ट करते थे। अच्छा, मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता गुजर गए हैं 10 साल पहले ही। अच्छा, तो मेरे मामू काफी सपोर्ट करते थे। ओके, इस बार मामू भी हमें इस बार लैपटॉप देंगे, बोले थे कि इतना नंबर लाओ तो मेरी तरफ से एक लैपटॉप देंगे। अच्छा अच्छा ओके, आम होम का मामू का ही था सर। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है जी सर। और ये बताइए आप मुझे कि आप अपने जो भी जूनियर आने वाले हैं, जो अभी 12th का एग्जाम देंगे, उनको कुछ बोलना चाहोगे कि वो क्या करें ऐसा कि वो भी आपकी तरह बन सकें, वो भी अगले साल मेरिट लेके आ सकें, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग से ही? मैं सर उन छात्रों को यही कहना चाहूंगा कि समय को गवाए नहीं। हाँ, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। एक सेकंड यस मैम, टाइम इज मनी बोला जाता है, उसी यही है समय। समय को जो समय को वैल्यू सर नहीं देता, वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाता। ट्रू बेटा, ट्रू। यही मेरा कहना था कि समय को वैल्यू देना चाहिए, जो कि मैं काफी समय को वैल्यू देता था। जैसे बेटा मैंने आपका रिजल्ट देखा तो आपके हिंदी और इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लगता है कि अगर हमें मेरिट लेकर आनी है तो हमें 500 सब्जेक्ट को इक्वल देना पड़ेगा, है ना? Am I right? यस यस सर, मैं ये भूल गया था कि जैसे लोग देखते हैं कि मुझे मैथ पसंद है तो मैं खूब मैथ पे ध्यान दूं, बाकी पे नहीं। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो सभी को इक्वल ध्यान दीजिए, तभी आप टॉप कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट का नंबर जुटता है। ठीक, जैसे सर टेंथ में क्या होता है कि टेंथ में सर मेरा 443 नंबर था, जो कि कम था सर। मैंने टॉपर्स का मेहनत किया था, लेकिन उसमें सर क्या होता कि बहुत सारे
जैसे हिंदी में नहीं पढ़े थे तो हिंदी में कम मार्क्स आए थे, संस्कृत में कम मार्क्स आए तो आपने थे। अपनी इन कमजोरियों को इस बार दूर किया है ना? यस यस, इस बार दूर किया। और मैंने जनवरी से ही सर सभी सब्जेक्ट को इक्वल रूप से माना, हिंदी को भी सर सेम रूप से मैं पढ़ता था। अच्छा, गुड बेटा। हाँ, ये रहता था सर कि मैथ में थोड़ा ज्यादा टाइम देता था। हाँ, क्योंकि वो हार्ड होता है तो टाइम तो देना स्पेंड करना पड़ेगा सर। हाँ, और उसमें कम समय देता था जो हल्का रहता था। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बेटा। चलो अभी तो आप थोड़े बिजी। हाँ बोलिए बोलिए। और मैं इंग्लिश के टीचर भूमिका मैम को भी काफी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो भी काफी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अच्छा चलो बढ़िया, मैं भूमिका मैम से बोल दूंगा। तो अभी तो आप काफी बिजी हो गए है ना, तो मैं हम आपसे बाद में कांटेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा? ओके जी सर। चलो, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे भी फ्यूचर में यदि हमें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो निसंकोच आप हमें कॉल करिएगा, हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, ठीक है? जी जी सर। चलो बाय बाय बेटा।